नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है 2017 में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ भाजपा का उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का आ, योगी जी लगातार कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है हम उसे सुधारेंगे पर अब जो हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और लोगों में एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया गया है साथ ही साथ यूपी में कई राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं सपा बसपा एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच सुभाषनी अली जी मौजूद हैं जो कानपुर से भूतपूर्व सांसद हैं और साथ ही साथ सी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी हैं सुभाषनी सुभाषिनी क्लिक में आपका स्वागत है तो फिलहाल तो ये जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उससे शुरुआत करते हैं ये आखिर हो क्या रहा है क्योंकि लगातार अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो ज़्यादातर मुस्लिम्स दलित के ऊपर ऐसे अटैक हुए हैं उनके फर्जी एनकाउंटर हुए हैं तो कोई भय तो सोल्यूशन है नहीं कि आप भय बना के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधार आपको टोकने वाली थी कि भय का वातावरण तो मुझे दिखाई नहीं देता अपराधियों में कोई भय नहीं है इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनकाउंटर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहे हैं लेकिन अपराध भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कोई एक दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में मतलब चेन स्नेशिंग रेजनिंग डकैती ये तो बहुत छोटी बातें हो गई हैं महिलाओं के साथ बलात्कार उनकी हत्या उनके साथ बहुत ही जिसको कहना चाहिए विकृत मानसिकता के तहत उनके साथ पेश आना ये सब तो रोज़ की घटना है हमने अभी एक जगह लिखा था ते, तीन दिन में चार हत्याएं और चारों हत्याएं इस सरकार की नीतियों की वजह से ही हैं आप इनको हत्या कहिए या दुर्घटना कहिए एक तो लड़की ने अपने आप को फांसी पे लटका दिया क्योंकि वो कई दिन से भूखी थी वो कहीं से मांग करके दो रोटी लाई थी उसकी बहन ने एक रोटी ले ली तो इसने अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया एक लड़की अपनी स्कूटी पर जा रही थी अपने घर से कि दो छुट्टा सांड रास्ते में लड़ रहे थे उसने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी एक ने आकर के उसको सींग से मारा और वो मर गई एक जा रही थी अपने गांव में अपने घर से बाजार तक साइकिल पर साइकिल पर को रोक करके उसमें मुंह पर पट्टी लगा करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको ज़िंदा जला दिया गया एक लड़की इटावा में अपने घर पर थी लड़की अंदर घुसे उसके साथ बलात्कार किया मारा और उसको ऐसे टांग दिया कि जैसे उसको उसने आत्महत्या की ये तो तीन दिन में ये चार घटनाएँ घटी हैं और ये रोज़ की कहानी है तो अपराध में तो कहीं भी कमी नहीं आई है लेकिन ये दिखाने के लिए कि सरकार अपराध के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कदम उठा रही है इस तरह के जो बिल्कुल ही मानवीय और गैर गैर कानूनी इनकाउंटर हैं वो किए जा रहे हैं और आपने जो बात कही वो आधी सच है क्योंकि ऐसा नहीं है हाँ मुसलमानों का हो रहा है दलितों का हो रहा है लेकिन अलग अलग अ, समुदायों के ओ के साथ भी यही हो रहा है चाहे वो गुजर हों चाहे वो यादव हों चाहे वो राजभर हों मतलब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो हमारी पिछड़ी जात के लोग हैं उनका भी इनकाउंटर किया जा रहा है और बिल्कुल मतलब निर्मम तरीके से एक का इनकाउंटर होता है उसके बाद उसका अवार्ड घोषित किया जाता है एक का इकाउंटर होता है जब उसकी माँ कहती मेरे लड़के को क्यों मारा तो कहते हैं कि दो मुसलमानों को मारा तो उसके बाद तो एक हिंदू को तो मारना बनता ही है एक लड़का छूट करके हिरासत से जब लोगों ने कहा कि ये झूठा मुकदमा है पुलिस ने उसको छोड़ दिया उसके घर वाले खुश हुए वो आया और उसको शाम को मार दिया गया एक तो ऐसा मर्डर है कि नाम बस मिल रहा था तो मार दिया हाँ सुमित नाम का लड़का था नोएडा में तो और कुछ ये है कि कुछ पुलिस वालों के कुछ निजी झगड़े भी हैं उनको भी वो इनकाउंटर करके तय कर रहे हैं तो ये तो खैर ये मानी हुई बात है दुनिया में कि इस तरह से तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो ही नहीं सकता है और इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे पुलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज कर रहे हो अपराधीकरण उसका कर रहे हो लेकिन अपराध को कम करने के लिए हमारे योगी जी और क्या क्या कर रहे हैं जो बहुत ही जघन्य अपराध के अपराधी हैं उनके ऊपर से मुकदमे वापस कर रहे हैं जैसे कि अभी मुजफ्फ़रनगर कांड में जो लोग बलात्कार हिंसा भड़काना और मतलब दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर हमला करना जानलेवा हमला करने में दोषी पाए गए हैं और ज़्यादातर इनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर से भी मुकदमे हटाए जा रहे हैं और अभी जैसे कासगंज में हुआ तो वहाँ पर जो लोग तिरंगा यात्रा के नाम पर दरअसल भगवा यात्रा निकाल रहे थे और उन्होंने एक जा कर के जगह पर हमला जैसे किया सबको पता है और तांडव मचाया अब अगर ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं ये उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना रही हैं कि आप अपराध करिए अगर आप सरकार के पक्षधर है तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जिस बात को उन्होंने कहा था कि सपा का गुंडा राज हम खत्म करेंगे तो लोगों को तो याद ही नहीं है कि सपा का भी कोई गुंडा राज था अब तो असली अपराधी राज और निर्बम तरीके का राज उनको भुगतने का मौका मिल रहा है मुजफ्फरनगर राइट्स की बात करते हैं एक लोगों पर मुकदमा हटा लिया गया जब मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे तो जो मुसलमान हैं और जाट हैं उनके बीच एक बहुत बड़ी दूरी पैदा की गई थी इसके ज़रिए पर अब वो कहीं वापस एक साथ आने की उनमें एक नई कोशिश स्टार्ट हुई थी ये मुकदमे हटाने के पीछे क्या 2019 को नज़र में रख के हटाया गया ये मुकदमा इसमें सबसे ज़्यादा भाजपा एकता से ही डरती है और तीन साल चार साल के अनुभव कड़ुए अनुभव के बाद वहाँ के हिंदू और मुसलमान किसान उनको हम जाट नहीं कहेंगे इनको किसान हम कहेंगे जो गन्ने की लड़ाई लड़ते थे जो किसानों की लड़ाई लड़ते थे अब उनको एहसास हो रहा है कि अब तो हमारी आवाज़ को उठाने वाला पूरे यूपी में अब कोई नहीं बचा तो कुछ लोगों ने पहल करके जा कर के मुलाकातें शुरू कं और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लोगों से जा कर के बातचीत की कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है और वो बहुत धीरे धीरे धीरज के साथ कदम बढ़ा रहे थे तो मुझे तो लगता है एक तो इससे भाजपा के लोगों में बहुत डर पैदा हुआ क्योंकि अब 19 तो आई गई है लेकिन इसके साथ साथ ये भी है ये दिखाना जो कि पूरे देश में हो रहा है कि आप हिंदू के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर बर्बर -बर से बर्बर -बर हिंसा करें या मतलब जघन्य से जघन्य अपराध करें तो भी आपको हीरो माना जाएगा आपको अपराध नहीं माना जाए लगातार ये कोशिश है जैसे मनुस्मृति में एक ही जुर्म के लिए अलग अलग तरह की सजाएं हैं इस पर आधारित कि जुर्म करने वाला अपराधी है कौन उसकी जात क्या है तो अभी उसको एक नया रूप दिया जा रहा है कि जुर्म करने वाला अपराधी किस धर्म का है और उसने किस के नाम पर अपराध किया था ये तो बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि फिर ये तो संविधान और कानून इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और अगर एक आदमी अपने हाथ में कानून ले सकता है तो फिर दूसरा भी ले सकते। आपने गन्ने के दामों की बात की तो अगर योगी जी ने कहा था कि सारे लोन वेव ऑफ़ कर दिए जाएंगे पर जो वेव ऑफ़ किया वो एक रुपये का चेक मिल रहा है किसी को पैंतीस पैसे का चेक मिल रहा है जहां तक मुझे याद है ऑल इंडिया किसान सभा का एक रैली होने वाला था लखनऊ में हुआ भी जिसका परमिशन भी विदड्रॉ कर लिया गया तो साफ है कि रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है पर जहां तक कृषि संकट की बात है उत्तर प्रदेश में वो भी गहरा रहा है तो उत्तर प्रदेश में गहरा तो रहा है लेकिन बस ये है कि किसानों में अभी भी कोई लड़ने वाली बड़ी ताकत नहीं पैदा हुई है हमने कहा पहले पश्चिम से ही ये लड़ाई शुरू होती थी वो हम आ, उनको पसंद करें उनके तौर तरीकों को पसंद करें या नहीं लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी कि किसानों में हलचल पैदा करने का काम पश्चिम में से होता था जब हिंदू और मुसलमान किसान मिल कर के लड़ता था अब हमारे प्रदेश में जहाँ इतने विभाजन हैं वहाँ किसानों को फिर से इकट्ठा करना लेकिन वो आ रहे हैं और एक जो मुद्दा आज दाम और कर्जे से भी बड़ा हो गया है वो है आवारा पशुओं का मुद्दा अब एक एक किसान कह रहा है कि इससे हमको बचाओ तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल किसानों के लिए है और स्पेशली जब ये बीफ बैन को लेकर इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है तो ये मुद्दा जहां तक मुझे लगता है कि और बड़ा ही होगा बढ़ेगा अच्छा, और अच्छा बढ़ेगा साथ ही साथ यूपी में और नई राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं फूलपुर गोरखपुर के चुनाव हुए बसपा सपा एक साथ चुनाव लड़े साथ मायावती ने कहा है कि 19 में भी यही होगा अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो शायद ये किसी फायदे का हो सकता है पर क्या लॉन्ग टर्म में भी एक सोल्यूशन है देखिए सोल्यूशन किस बात का बुनियादी नीतियों की बात अगर हम कहें तो वो तो एक दूसरी तरह की लड़ाई है लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज एक जनता के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सरकार फिर से न आए दिल्ली में क्योंकि वो तो चौतरफा हमला कर रही है मतलब शिक्षा के ऊपर इतिहास के ऊपर तमाम संस्थानों के ऊपर जुडिशरी के ऊपर संसदीय कार्य प्रणाली के ऊपर हर चीज़ के ऊपर उसका ज़बरदस्त हमला है तो इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए भी इस सरकार को हराना बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में ये कोई नई चीज़ नहीं है जब माबरी मस्जिद शहीद की गई थी तो उसके बाद भी कांशी और मुलायम सिंह ने बैठ करके एक साल लगातार बातचीत करने के बाद एक काफ़ी पुख्ता समझौता किया था और उसमें मतलब सारी दूसरी पार्टियां बिल्कुल मैदान से ही उड़ गईं और उनकी सरकार बनी खैर उसमें फिर विसंगतियां पैदा हुई वगैरह वगैरह तो इस प्रयोग में जो दम है वो पहले भी देखा जा चुका है इसलिए जब ये रिपीट होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयोग में शामिल लोगों को लगता कि ये बहुत एक ज़बरदस्त पहल है बल्कि जो लोग इसके पक्ष में एक बार वोट दे चुके हैं और इसके परिणाम देख चुके हैं उनको भी लगता है कि हाँ भाई अब ये एक हो गए तो अब कोई दूसरा टिक नहीं पाएगा और यही हुआ है लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि ये कॉम्बिनेशन जब लोगों के सामने आई है गठबंधन तो फिर बहुत से लोग जो नाराज़ थे असंतुष्ट थे उनको इसके साथ अपने गुस्से को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका मिला हो सकता है वो घर बैठते या निराश हो जाते लेकिन अब कई किसानों ने कहा हमने तो ये आवारा पशुओं से परेशान होकर के वोट दिया और एक जो बात हम लोगों को देखनी चाहिए कि फूलपुर यानी इलाहाबाद और गोरखपुर का जो शहरी इलाका है जिनको भाजपा अपना गढ़ मानती है इनमें जो मतदान का प्रतिशत था वो इतना कम क्यों हुआ इसके पीछे कारण क्या है अब भाजपा वाले कह रहे हैं अरे लोगों को इतना आत्मविश्वास था कि हम तो जीतेंगे ही तो वोट डाल लेंगे ऐसा नहीं है जिनको जीत के प्रति पूरा विश्वास होता है वो निश्चित रूप से जाते हैं वोट डालने के लिए हमको लगता है कि शहरी जनता भी नोटबंदी जी धंधे में आई गिरावट लोगों के पास ख़रीद का पैसा नहीं है इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनके अंदर भी गुस्सा है इस हद तक नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है लेकिन इस हद तक तो है कि वो कहते हैं अच्छा चलो इनको हम नहीं देंगे और ये हमको लगता है इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर था एक बात और हम कहना चाहेंगे कि एक तो जो कांग्रेस का इसमें परफॉर्मेंस रहा वो भी देखने लायक है और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए नहीं तो अल्पसंख्यक बिल्कुल निराश हो जाएंगे कुछ लोग कह रहे हैं वोट भी नहीं डालेंगे लेकिन फूलपुर के चुनाव में बड़ी चिंताजनक बात देखने को मिली कि एक आदमी अल्पसंख्यक जिसको कहीं भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी जिसके बारे में लोगों को काफ़ी विश्वास था कि इसको बीजेपी ने ही खड़ा किया है उसको पचास हज़ार वोट मिल गए तो ये भी एक चिंताजनक बात है और लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है कि इस तरह से अगर वो वोट करेंगे तो फिर वो आ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे शुक्रिया सुभाषनी और आगे जैसे ये मुद्दे बढ़ते रहेंगे हम आपसे लगातार इन सब मुद्दों पे वापस फिर चर्चा करते रहेंगे धन्यवाद न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद